अरे वो जिस हिसाब से बैठी है मेरे को लग रहा है आगे फिर मारेगी, दूर हो लिए इस टाइम। आज वाली जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाली है, तो प्लीज कमजोर दिल वाले ना देखें। हम है रूसे राई और ये है मेरा भाई। हम काफी सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। भाई यूएस और पिस्टल एक ही बात है, तो भाई ये चाइल्ड कंटेंट नहीं है, पहले ही बता दूं अपने बच्चों को, कृपया करके यहाँ पे ये चीजें मत दिखाना, कृपया करके हटा देना अपने बच्चों को यहाँ से। क्रोकोडाइल टीथ देखो, चेक करो, कूड़े के बहु बिके गए। ना होता नू ना होता रहा सब हो गया मोजली। कल लिया अपनी यादों के लिए एम्स्टरडेम का सिंबल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप का एक नया दिन, एक नई शुरुआत। भाई हम नीदरलैंड्स के अंदर कल एंटर कर चुके थे और हमारे को लिटरली फिर दोबारा नहीं पता चला, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर कहीं पर भी आपके बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है। तो भाई अपन चले जा रहे कंट्रियाँ क्रॉस करे जा रहे, टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पर कंट्रियाँ तीन तीन चार चार घंटे के अंदर तो भाई कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता, कब आई और कब चली गई। कल हम थे भाई ब्रसल्स के अंदर, आज हमारा पूरा पूरा विचार है कि हम एम्स्टरडैम जाएं और एम्स्टरडैम में एटलीस्ट दो दिन तो रुके, क्योंकि एम्स्टरडैम है ही इतना खूबसूरत। ये यहाँ पे ट्रक स्टॉप है, वहाँ पे भाई हमारी गाड़ी खड़ी। जो ट्रक स्टॉप का जो आइडिया है यहाँ पर रुकने का भाई, वो ऑब्वियसली बात है मेरा ही है, क्योंकि आई हैव बीन ड्राइविंग ट्रक कनाडा के अंदर, दो साल मैंने ट्रक चलाया है, तो मेरे को सारा का सारा पता रहता है कि ट्रक स्टॉप्स पे ऐसी सिक्योरिटी वाली कोई बात नहीं होती है। बाकी यहाँ पे सारी सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि आपको वॉशरूम वगैरह हो गया। तो अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं एंड फिर वहाँ से वापसी आते हैं, इन सबको उठाते हैं, इन सबको उठाने के बाद फिर यहाँ से अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। चलो भाई पहुँच गए यहाँ पर। A few moments later. तो यार बिल्कुल ही हाईवे से लगकर ये ट्रक स्टॉप यहाँ पर हमारे को मिला था, एंड मोस्टली जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे ही ट्रक स्टॉप्स हैं, तो मतलब काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि भाई ना तो सामान निकालना गाड़ी से दोबारा, ना होटल में चेक इन का झंझट, ना चेकआउट का झंझट, तो काफी सारी चीजें आसान हो जाती है इस तरीके से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। बाकी यार अगर इतनी लंबी रोड ट्रिप होती है तो आपको सिर्फ दो ही चीज चाहिए होती है, एक तो सोना एक खाना, और बढ़िया सा कहीं वॉशरूम मिल जाए। तो वॉशरूम भाई यहाँ ट्रक स्टॉप पे 24/7 खुला ही रहता है, तो उसकी भी हमारे को टेंशन नहीं है। चलो भाई यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ पर ऐसे हम सोते हैं भाई, यहाँ पर जैसे वरुण यहाँ लेटा हुआ है, यहीं साइड में मैं लेटा रहता हूँ, तो यहाँ दो जने यहाँ सो जाते हैं और एक जना वहाँ सोता है, क्योंकि तीन जने हैं। पहले हमने जो कैंपर सोचा था उसमें ऊपर एक टेंट था, बट इस वाले में ऊपर टेंट नहीं है, तो वो वाला कैंपर मिल जाता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, जिसमें आराम से चार लोग सो पाते। बाकी जो सामान वामान की जो टेंशन है कि भाई, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बात है तीन लोगों के हिसाब से सामान है, तो बैग्स वगैरह हम यहाँ साइड पर रख देते हैं, राहुल भाई वहाँ पे एक साइड पे सो रहे हैं। यहाँ पर सारा का सारा सामान रखने के बाद ट्रेलर हो जाता है खाली, और जब चलने लगते हैं जैसे रोड पे चलने लगे तो भाई वापसी सारा का सारा सामान यहाँ पे पीछे ट्रेलर में रख देते हैं। हाँ भाई सोने में कोई दिक्कत होती है? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं थी, फुल पावर में जाता सोने में, एक इंच और बड़ी होती है हाँ, तो बस इतना ही फर्क है भाई। ये बैग्स वगैरह मैंने अभी सुबह निकाले थे, तो इतना ही फर्क है। वहाँ सामने भाई पानी वगैरह, ये ऊपर एक शेल्फिंग दे रखी है, तो यहाँ पर सारी सारी चीज़ें हम रख देते हैं, और वहाँ पे नीचे दो स्टोरेज बॉक्सेस हैं, तो स्टोरेज बॉक्सेस में जो भी एक्सेस सामान होता है वहाँ पर वो रख देते हैं। जल्दी जल्दी आ चला, काम कर यार। वैसे तो आप काम 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 कर रहे थे, यहाँ पीनट्स खा रहे हो, ये क्या मतलब है? हेलो मैं काम कर रहा हूँ। तो पीनट्स क्यों खा रहे हो? बिकॉज वर्क इज पीनट्स टू हिम। बिकॉज वर्क इज पीनट्स टू हिम। मैंने ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन कर दी, सामने वाला आई भी तो अभी कॉल पे। हाथ धोगी भाई, हाथ धोगी, ऐसे चल रहा भाई। ये है भाई गाड़ी का नजारा, और वहां वरुण लगा हुआ है पूरा का पूरा काम करने के लिए। कल से इसने कुछ काम करा है नहीं ज्यादा, तो आज सारा का सारा काम यही करेगा और हम सिर्फ इसका सुपरवाइज करेंगे। जल्दी जल्दी हाथ चला भाई। ओके ओके। ये भाई हमारा ट्रेलर का नजारा। आप लोग पूछ रहे हो कि भाई ट्रेलर में सोते कैसे हो? सोते तो हम ठीक ठाक है भाई, बस हमारा सामान ऐसे पड़ा रहता है, तो जब सोते हैं तो सामान इधर से उधर ऑर्गेनाइज करते हैं, जब नहीं सोते जब चल रहे होते हैं तो भाई सारा का सारा सामान पीछे ट्रेलर में आ जाता है, और हम गाड़ी में आराम से बैठ के भाई आगे अपनी ट्रैवल को एंजॉय करते हैं। आप काम करो, ये पीनट्स वगैरह कम खाया करो, थोड़ी सी बची है तो ये खा जाओगे सारी की सारी, हमारे को भी खिला दो थोड़ी सी। ये वो बियर वाले अंकल ने दिए थे जहां से कलम ने बियर पी थी। नहीं हाँ जी, ये उन्होंने दिए शाम को जिन पाजी के पास। ओ हाँ पाजी, तो उन्होंने भी तो बियर दी थी। उन्होंने बियर दी थी उनके साथ भी तो बियर पी कर आए हैं भाई। पाजी मिले थे अपने को वहां पर, अपने ब्रसल्स में, एक नंबर पाजी, मतलब 11-12 साल से वो यहाँ पर हैं। उनकी एक छोटी सी गुड़िया है, उनकी वाइफ है, वो फ्रेंच है दोनों, तो दे आर लाइक बहुत वेलकमिंग, और उनके प्रॉपर उन्होंने अपने इंडियन रीति रिवाजों के तरीके से हमसे वेलकम किया, हमसे बात बात करी, काफी उनके साथ एंजॉय किया हमने, बात बात समझी उनकी। और यार उन्होंने ना बहुत सारी चीजें दे दी हमें ना, मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता। और ये टॉवल किसका गंदा सा? अरे ये हमारे एक वकील साहब है।
आप हो वकील साहब? बिल्कुल ही दो धाके रखा हुआ है। तो गंदा सा तो है ना? अब जो कलर का मिला वो मैं ले आया। कलर हम रंग भेद नहीं करते, ऐसे तो आप भी मतलब कलर थोड़ा आपका भी ऑफ वाइट। हम रंग भेद बिल्कुल नहीं करते भाई साहब। लो भाई खुल गया भाई अपना IRCC का पोर्टल, और अब राहुल भाई करेंगे काम। मैं चलूंगा भाई गाड़ी। अब लगेंगी फाइलें, अब लगेगी भाई फाइलें यहाँ पे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो भाई ऐसे काम चल रहा है, पेड़ों की छाव के नीचे बिल्कुल वही गांव वाली सी फील आ गई है। बस उस टाइम पे काम नहीं करा करते थे, उस टाइम पे मौज लिया करते थे भाई, अब मौज के साथ साथ काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, आसपास में ये कैंप साइट ढूंढिए, कैंप साइट मिल जाएगी और वहां से हम आगे एम्स्टरडैम की टूवर्ड्स कोच करेंगे। हाँ, जाके वगैरह अपना ये सामान वामान सेटअप करते हैं, इसको इसको डिटैच करेंगे, गाड़ी लेके चलेंगे एम्स्टरडैम की तरफ और बढ़िया मतलब फुल पावर अपनी गैंगस्टर विला। डेफिनेटली डेफिनेटली राहुल भाई का विचार बन रहा है कि वो आज यहीं पर ही रुकेंगे। कह रहे भैया आज मेरे पास बहुत सारा काम है, तो शायद हम दोनों अकेले जाए या फिर राहुल भाई को हम खींच के ले जाएंगे कि यार काम तो चलता रहेगा, थोड़ा सा एंजॉय भी तो कर लो। निकाल दे, पहली बार ऐसा हुआ कि मालिक को ही निकाल दिया कंपनी कि मालिक को ही निकाल दिया कंपनी। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, हमारा जो कैंप साइट है वो 7 मिनट की दूरी पे है। तो यार अब जैसे कि 2 दिन के लिए कैंप साइट बुक कराई दी है हमने, तो 2 दिन के लिए हमारे को खाना पीना भी चाहिए होगी। आपको पता ही है कि कैंप साइट पे खाना वाना मिलता नहीं और वहां से बाहर जाने का हमारा बिल्कुल विचार बनता नहीं है। तो यहाँ ग्रोसरी स्टोर आए हैं, छोटा सा कोई एक शहर है यहाँ पे, ग्रोसरी स्टोर में अंडे वंडे ले लेंगे यहाँ से। ये रहा भाई इनका ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम ही है। केले उठा ले भाई। अच्छा पहले टोकरी उठाओ भाई, वहां से पहले टोकरी उठेगी, उसके बाद अपन यहाँ से ले लेते हैं केले, बिकॉज दीज आर मस्ट। आगे बढ़ते हैं और कुछ सामान लेते हैं। प्याज है शायद, अभी भी लिया था ही है। तो एक आधा ही थी, दो हैं वैसे तो, दो हैं अगर लूज मिल रहे हैं। हाँ ले ले, इतना प्याज का ले ले, और प्याज तो वैसे भी खराब ना होते। देख ले जो लेना ले ले भाई। यार इस लड़के का ना हर बार का एक ही ड्रामा है, लेने आए थे हम सिर्फ अंडे जो कि मैंने उठा रखे थे, इसने देखो क्या क्या ताम झाम उठा लिया, मतलब हद हो गई है। एक चीज लेने के लिए आओ और 50 चीज लेकर जाओ, कोई मतलब इस चीज का कोई सेंस बनता नहीं है। हम काफी सारी ऐसी चीजें करते जिसका कोई सेंस नहीं बनता। कोई बात नहीं भाई, चलो फिर भी मतलब जरूरी तो है ही भाई, 2 दिन कैंप साइट होंगे तो 2 दिन के लिए ग्रोसरीज हो जाएंगी। बाकी थोड़ा हेल्दी स्टफ भी रखा है, थोड़ा सा वैसा स्टफ भी रखा है, बढ़िया है। आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा भाई, सैलेड है, दूध है, फ्रूट्स हैं, और राहुल भाई के लिए मीठा ले लिया। उनके लिए मीठा जरूरी है भाई, उनका फोन आया था कह रहे भाई मीठा ले आना मेरे लिए। हाँ ठीक है जी, ले आएंगे आपके लिए मीठा, बिल्कुल लेकर आएंगे। लो भाई बिल तो भाई बढ़ता ही जा रहा है, 20 यूरो हो गया। और कुल मिला जी इतनी सी चीजें आई हैं, देखते हैं भाई कितना बिल आएगा। तो भाई कार्ड लेके खड़ा हुआ है, देखते क्या बिल बिल आएगा। कितने का बिल आया भाई? 36 यूरो। तो भाई 36 यूरो का बिल आया। अब यहाँ से हमारी कैंप साइट दोबारा से 8 मिनट दूर हो गई है, पता नहीं कैसे भाई, क्योंकि हम सिटी की तरफ आ गए थे शायद उस वजह से। बट मैंने वरुण को कहा था कि भाई कृपया करके कोई ऐसी जगह देखना जो कि सिटी के बिल्कुल बीच में हो। ट्रेलर को करते हैं बैक, पीछे हमारे कोई है नहीं, कोई होगा तो आवाज आ ही जाएगी वैसे भी। और यहाँ से चलते हैं अब आगे की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। फाइनली आ तो गए हैं यार कैंप साइट पे, अभी आंटी अपनी बोट हटाएं तो हम भी आगे जाएं। यार वहां होकर आया मैं, वहां पर 2 जेंटलमैन थे, उन्होंने मेरे को गाइड करा कि यहाँ पर अपनी साइट तो यही है, यहाँ जाके हमें पे करना है इस पीछे इस ब्रिज के बैक साइड पे। तो भाई ने तो अपनी साइड पकड़ के लगा भी दी गाड़ी, अभी तक पेमेंट कुछ करी नहीं है। लेट्स सी, अब जाते हैं यार उनको चेक इन वेक इन करता हूँ मैं। भाई लोग लगा रहे अपनी गाड़ी यहाँ पर फुल पावर, और यार व्यू चेक करो, मतलब व्यू इतना अच्छा है ना चारों तरफ, वाओ। यार थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है नेविगेट करना, क्योंकि यहाँ पे लोग डच में ज़्यादा बात करते हैं, तो कुछ लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, देन दे वर लाइक दे डोंट स्पीक इंग्लिश। सो अब मेरे को दूसरे हथकंडे अपनाने पड़े कि भाई ठीक है, अपनी गूगल ट्रांसलेट वगैरह ऑन करके फिर देखा। और आप ये देखो जरा, चेक करो ये एक नंबर व्यू, वाह। यहाँ पे लोग अपनी बोट शोट लेके फुल पावर एंजॉय कर रहे हैं यार, अपना अच्छे से एंजॉय करते हुए घूमते फिरते अपनी बोट यहाँ लगाई, और यहाँ पे समुंदर में घूमते घूमते आगे पीछे निकल के जहाँ भी जाना होगा। फाइनली यार काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर पहुँचा मैं, इसके अंदर जाके पेमेंट करनी है। और चारों तरफ एक बार व्यू देखो यार आप, एक नंबर, मतलब चारों तरफ बोट्स लगी हुई हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, और यार बढ़िया पानी का फ्लो इतना अच्छा लग रहा है। और ये एक छोटा सा यहाँ पे कैफे भी है, थोड़ी देर में खुलेगा, तो यहाँ रात को अपनी वाइब चेक कर सकते हैं एंजॉय करने के लिए आगे। बढ़िया यार, राहुल भाई को सजेस्ट करूंगा कि बोट वोट रेंट वेंट करके थोड़ा आगे पीछे घूमने चलते हैं, और ब्रिज बना रखा है एकदम एक नंबर।
यार वहाँ पे बढ़िया 50 यूरो की पर्ची कटवा कर आए, सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझा दी उन्होंने कि क्या फैसिलिटीज है, क्या चीजें हैं अवेलेबल, मैप भी दिया उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे नेविगेट करने के लिए चीजों को। और यार ये अपने भाई लोग अपना कैंप साइट फुल तैयार कर रहे हैं, अब इनकी मदद करते हैं और यहाँ पे अपना बनाते हैं आशियाना। और यार वो खड़ी अपनी गाड़ी फुल पावर, मजा, कितनी अच्छी धूप हो रखी है, एक नंबर। तो भाई जल्दी जल्दी आज चलाओ तेजी से और अब इनकी मदद करते हैं यार, इनको मेरी जरूरत पड़ती है। तो यार फाइनली कैंप साइट हमने सेटअप कर ली और सब कुछ हो चुका है, नहा धो के हो गए हैं हम बाऊजी बन के तैयार, अब जा रहे हैं एम्स्टरडैम का शहर घूमने। भाई बैठ चुका है ड्राइविंग सीट पे और भाई राहुल भाई को नहला धुला के खिला पिला के वहाँ हमने बिठा दिया है, वो अपना काम करेंगे और हम जाएंगे शहर घूमने। आज उनको बहुत ज़्यादा काम है तो आज हमारे साथ नहीं जा पाएंगे। और भाई चलें, चलो चलो फिर आगे की तरफ। तो चलो यार एक बार गाड़ी का ऑयल भी चेक कर लेते हैं कि कितना ऑयल है कितना नहीं है। जब लास्ट टाइम इसकी सर्विस कराई थी उसके बाद भी हमने 8,000 किलोमीटर चला दिया है। तो बड़ा सिंपल है इसका तरीका क्योंकि इसमें आगे डिप नहीं है, तो सिंपल है भाई, यहीं से सारा का सारा चेक हो जाता है क्योंकि पूरी पूरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकली, मतलब कंप्यूटर है यार ये पूरा का पूरा, तो पूरा पूरा कंप्यूटर होने की वजह से इसका ऑयल चेंज यहीं से हम पता लगा लेंगे। तो सिंपल है इसका, बड़ा सिंपल सा सौदा है, यहाँ ऊपर जाओ, यहाँ से व्हीकल इंफॉर्मेशन में जाके सीधा नीचे जाके ऑयल लेवल पे क्लिक कर दो और इसने बता दिया कि भाई ऑयल एकदम बढ़िया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डंडा गिरा अभी तक, सो वी आर ऑल गुड। अभी और चलेगी 10,000-15,000 किलोमीटर उसके बाद इसका ऑयल चेंज होगा, तो पूरा का पूरा यूरोप नापने के बाद फिर इसका ऑयल चेंज करेंगे। कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप में भाई एक नया पड़ाव आ चुका है, हम कल रात को ही नेदरलैंड्स आ गए थे भाई, लिटरली एक एक डेढ़ घंटे के बाद तो यहाँ पे कंट्रियाँ बदल जाती हैं। 36 मिनट की हमारी और ड्राइव रहेगी यहाँ एम्स्टरडैम के लिए। एम्स्टरडैम के बारे में भाई बहुत ज़्यादा सुना था, मतलब बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिटी है, तो वहाँ चलते हैं। ट्रेलर अभी हमारा है नहीं हमारे साथ, ट्रेलर और राहुल भाई दोनों के दोनों हमने कैंप साइट पर छोड़ दिए, 2 दिन के लिए हमने कैंप साइट बुक करी है। अब यहाँ से सीधा यार एम्स्टरडैम चलते हैं और एम्स्टरडैम से करते हैं आप लोगों को रिपोर्ट। काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि यार अब मतलब इतनी ज्यादा ड्राइविंग कैसे कर लेते हो एंड ऑल दैट स्टफ। भाई यहाँ पे ड्राइविंग सच में बहुत ही ज़्यादा आसान है, मेरे पैर बिल्कुल भी मतलब फ्री बैठे हुए हैं, ना तो मैं ब्रेक दबा रहा ना मैं रेस दे रहा, भाई गाड़ी में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसका पूरा पूरा फायदा उठा रही है। आगे गाड़ी आ गई 104 पे मैंने क्रूज पे लगा रखी है, 100 का ये रोड है, तो जैसे जैसे ट्रैफिक धीरे होगा वैसे वैसे गाड़ी अपने आप धीरे हो जाएगी, जैसे जैसे ट्रैफिक तेज होगा 104 पे जाके अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यार यहाँ के जो रोड्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड है, मतलब मज़ा आ गया भाई, 5-5, 6-6 लेन के हाईवेज हैं यहाँ नेदरलैंड्स में। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे हाईवे ना तो मेरे को पेरिस में देखे, पेरिस के भी रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट पेरिस के जितने भी रोड हैं यार वो सारे के सारे उस पर ले रखे, मतलब प्राइवेटली ओन्ड है, तो कोई भी गवर्नमेंट के रोड नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर इतना ज़्यादा टोल टैक्स था। लिटरली बता रहा हूँ 500-600 किलोमीटर हमने कवर करे होंगे और 500-600 किलोमीटर के अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली कम से कम भी 12 या 13 टोल दे दिए, या शायद 15 भी दे दिए होंगे, तो पता नहीं, कोई 5 यूरो का है, कोई 2 यूरो का है, कोई 3, मतलब कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक सिग्निफिकेंट, मतलब होता है ना कि आपको पता रहता है कि आपका कितना कटेगा, ये सब नहीं है वहाँ पे भाई, जितना कटेगा वो वहाँ आगे जाके पता चलता है, अच्छा भाई इतना कट गया। फ्रांस छोड़ने के बाद हमने 2 कंट्रियाँ कवर कर दी हैं, पहले तो हम बेल्जियम गए, फिर उसके बाद अभी नीदरलैंड्स के अंदर घूम रहे हैं, दोनों ही जगह पर कोई भी टोल नहीं मिला हमारे को, तो टोल रोल तो है नहीं, बाकी यहाँ पर विनेट लेने का भी कोई पंगा मेरे को दिखा नहीं, मैंने ऑनलाइन रिसर्च करा था, बेल्जियम में भी विनेट नहीं लिया था हमने और यहाँ पर भी विनेट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12 टन से ऊपर हमारी गाड़ी नहीं है। और बाकी एक और बात मैं आपको बताऊंगा, गाड़ी का वेट वैसे ही कम हो चुका है क्योंकि राहुल भाई को हम छोड़ाए हैं भाई, मतलब 100-150 किलो तो वहीं पर ही हमारा कम हो गया है। लोगों ने बहुत कुछ बताया कि पार्टी टाउन है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग बहुत ज्यादा चिल वाइब्स आ रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा शांति है, बहुत सारे कैफेज हैं, मे बी शाम को यहाँ पे ज्यादा पार्टी शार्टी होती होगी, लेकिन यार ओ माई गॉड वहाँ जाना है हमको, वहाँ यहाँ पे पार्किंग मिल गया और पार्किंग का गेट देखो भाई कैसे खुल रहा है, कितने सेक्सी तरीके से खुल रहा है। चलो जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पार्क करते हैं गाड़ी और पार्क करने के बाद फिर प्रॉपर आप लोगों को पूरा का पूरा टाउन घुमाते हैं। भाई जल्दी जल्दी चल, तूने बहुत लेट कर दिया यार, 5:30 बज चुके हैं और 6 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है, जल्दी जल्दी रश में चलते हैं फटाफट भगते हुए। यार ये है अपना वैन गॉ म्यूजियम, वैन गॉ के नाम से ही बनाया था ये उनके लिए, उनकी याद में। ही वॉज अ वेरी फेमस डच पेंटर, 1973 2 जून को ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब चलते हैं इसके अंदर। हेलो,
It's closed? Around here? Do you suggest anything else over here? That's only this and this. So these two are the museum? So यार यहाँ पर आए थे भाई ने मना कर दिया कि अभी 6 बजे बंद हो चुका है ये म्यूजियम और अब कोई नहीं यार अब देखते हैं कुछ और जगह जाते हैं कहीं और एक्सप्लोर करते हैं टाउन को आगे की तरफ बढ़ते हैं चल ठीक है वैसे भी भाई म्यूजियम जाने का मेरा तो इतना कोई विचार था नहीं कौन वैन गॉग इज अ डच पेंटर फेमस पेंटर लाइक सी आप समझते हो ना कि मैं फुकर हूँ मैं बेकार आदमी हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है भाई अनपढ़ लोगों के साथ घूमता हूँ मैं अब ऐसा ही बनूंगा ना जैसे लोगों के साथ घूमूंगा फुल पावर तो यार ये लोग कभी ना टाइम से तैयार हो नहीं सकते कभी राहुल भाई के नाने धोने ना पूरे होते कभी इसका सिंगार पूरा ना होता तो यार इतना बढ़िया म्यूजियम बना रखा है बुक्स के लिए स्टेडलिक म्यूजियम इसका नाम है लेकिन ये भी 6 बजे बंद हो जाता है और अपना वो वैन गॉग का म्यूजियम है वो भी 6 बजे बंद हो जाता है अब यार क्या करें अब कोई नहीं टाउन ही घूमते हैं टाउन में थोड़ा इन्जॉय करते हैं टाउन की हिस्ट्री देखते हैं टाउन के बारे में जानते हैं कि टाउन है कैसा तेरे को मिला कुछ और इसको ना मिला कुछ तो चलो कोई नहीं अब आगे देखते हैं सर्च करके फिर आपसे मिलते हैं आगे की तरफ अरे यार बस म्यूजियम के नीचे गाड़ी खड़ी करी थी ताकि जल्दी जल्दी देख सके लेकिन देख तो पाए नहीं लेकिन खर्चा पूरा पूरा हो गया कितने लगे भाई 180 तो ये ऑलमोस्ट 201 रुपये के आसपास होते हैं ठीक है भाई कोई नहीं हाँ भाई अब कहाँ जाने तेरे को समझ आ रहा कुछ उत गैंग भाई लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा बैरियर चल रहा है भाई अपन कोशिश तो कर ही रहे हैं ये उतरित का मतलब मैंने सीख लिया था उतरित का मतलब है एग्जिट तो अब यहाँ से एग्जिट लेंगे और यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ जो अगला स्टॉप है हमारा वो 16 मिनट दूर है और वो 10 बजे तक खुला है भाई म्यूजियम तो वहाँ चलते हैं बाकी ऑनलाइन बुकिंग करा लेंगे एक बार ही ऑनलाइन बुकिंग करा के देख लेंगे वो पे तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे भाई बढ़िया यहाँ पे फुल पावर बोट हाउसेज बना रखे हैं हॉस्टल्स भी हैं इधर रहने के लिए और मस्त एक नंबर यहाँ पे आप अपनी नौका लेके घूमते हुए जाएं आगे और वेनिस वाली फील दे रहा है यार यहाँ तो वॉक करने आएंगे थोड़ी देर में भाई क्या कहते हैं बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ी सी शाम हो जाए फिर वॉक करने आते हैं टैनिंग हो जाएगी तेरे यस ब्रो हाँ वैसे लोग कह ही रहे थे कि घना स्मार्ट दिखे मेरा भाई तो ठीक है भाई रिश्ते विश्ते भेजना चालू करो अरे यार बोट वोट के यहाँ बैठने मजा तो आएगा यार यहाँ पानी के आसपास देखिए यार ये जैसे अपने लौंडे जा रहे दो तीन घूमते हुए सही है ना एक नंबर और ये आ गई भाई आलीशान जगह हैनिकेन ब्रूरी हैनिकेन भाई अपनी यहाँ पे एम्स्टरडैम की नीदरलैंड्स की ही बियर है और बहुत ही तो आलीशान बियर है एक नंबर पीने में ना मतलब स्वाद ही अलग है आपको तो पता ही है अपने दिल्ली गुड़गांव के ठेकों पे तो यूं रुड़ती फिर है और अपना भाई तो तुम्हें पता ही है कल अपना ब्रसल्स में फुल सेट था आप बोल रहे हो जुबान लड़खड़ा रही है तो भाई साहब पी लेगा तो जुबान तो लड़खड़ाएगी ना क्यों जी बिल्कुल भाई बिल्कुल लेकिन फिर भी रूसे राही ने पूरा रिपोर्ट किया आपको पूरा टाउन अपने हिसाब से ढंग से दिखाया अपनी आंखों से जैसा हम देखते हैं आपको डिट्टो ही वैसा टाउन दिखाते हैं कोई किसी का टूरिस्ट गाइड वाला हिसाब किताब नहीं है अपना भाई कि ये ऐसा है ऊसा है तो यार जैसे कल हमने बढ़िया तरीके से टाउन दिखाया आपको ब्रसल्स का अच्छे से वहाँ पे हमने बियर वियर देखी बहुत ही 2200 तरीके की बियर्स थी आप नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देखें उसको और सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे ढंग से यार फिर आप बोलते हो कि हमारा कंटेंट मिलियंस तक जाना चाहिए अरे पहले लाखों तक तो पहुंचाओ मेरे दोस्तों फिर ही तो मिलियंस तक जाएगा हम लोग आपको पूरा पूरा टाउन अपने हिसाब से दिखाएंगे जैसा मेरा भाई और मैं फील करेंगे वैसा ही दिखाएंगे प्रॉपर कोई उसमें फिल्टर नहीं कोई उसमें बकवास नहीं सीधी साफ बात जो फील करेंगे वो दिखाएंगे और वही वाली बात है टूरिस्ट गाइड थोड़ी है हम हैं रूसे राही और ये है मेरा भाई तो यार ये है यहाँ पे अपना नेशनल बैले एंड ओपरा का हाउस बहुत बढ़िया यहाँ का मैंने पढ़ा यहाँ पर ट्रेनिंग होती है एंड पीपल रियली गेट ट्रेंड हियर यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं तरीके से ताकि भाई लोगों के बड़े बड़े बैले डांसर्स नीदरलैंड से निकल के आए हैं और ये आप सामने देख रहे हो भाई अपने ये यहाँ का घंटाघर है अपने हरिनगर की तरह लेकिन भाई हरिनगर वाले तो इसके सामने चाय कम पानी लग रहा है मैं वैसे कभी बुराई बुराई नहीं करता लेकिन भाई जो चीज़ दिख रही है वो बिक रही है और ये दिख रही है तो ये बिक रही है और यार यहाँ पे साइकिल कल्चर बहुत ही ज़्यादा है मतलब आपको दिख ही रहा होगा लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे साइकिल्स खचा खची तो भरी हुई हैं मोस्टली हर कोई बंदा यहाँ पे साइकिल्स पे ही दिख जाएगा गाड़ियाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लोग चला रहे तो राहुल भाई के लिए ये एक हेवन वाली जगह हो सकती थी बट कल हम दोबारा आएंगे राहुल भाई को लेकर आएंगे और कल फिर दोबारा से देखेंगे एम्स्टरडैम शहर मैं क्या करूँ भाई खड़ा हुआ हूँ मैं भी वैसे एक बात है गाड़ी को पूरी पूरी अटेंशन तो मिलती मिलती है भाई भाई लोग इसे मुड़ मुड़ के देखें हाँ बिल्कुल सही बात तरीके के लिए आया अंकल यो भाई कति मारेगा मारेगा फिर इसने बता भी दूंगा मैं देख रहे ऑन्टेरियो नंबर गाड़ी
फिर मैप, फिर मैप, फिर दो देसी, हाँ पूरा पूरा देखे भाई मुड़ मुड़ के। और भाई इसकी तो तना बेर आई है, ये इसने रामजादे ने काफी देर ब्लॉक करा दिया रोड ना, इसकी छोड़ भाई अब क्या कर सके हैं भाई। अगर अपना दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव होता ना तो उतर के अभी तक तो इसको पेल देते। फिर दोबारा हॉर्न, भाई यहाँ हॉर्न बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं पता नहीं क्यों, इतना तो यहाँ इस शहर में ट्रैफिक भी नहीं है जितने यहाँ इन लोगों ने हॉर्न बजा दिए। उस तरीके इसकी गाड़ी देखियो भाई कितनी ज्यादा ठुकी पड़ी है, छोरी है देख ले, देख सारी गाड़ी ठुकी हुई है, सारी की सारी गाड़ी। अरे वो जिस हिसाब से बैठी है मेरे को लग रहा है आगे फिर मारा कि दूर हो लिए इस तरह। बिल्कुल दूर हूँ भाई, बिल्कुल दूर हूँ। कितनी ज्यादा भीड़ है भाई यहाँ, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। थैंक यू आंटी कैरी, बिकॉज यू आर डूइंग द रोड ट्रिप इसलिए मैं तो जाने दे रही हूँ। बोला पता नहीं भाई ऑन्टेरियो से मार मूर दे टक्कर टुक्कर। आंटी हमारे वहाँ पे 1 मिलियन का क्लेम है ये पूरा का पूरा कैसीनो भाई, मतलब देख रहा मतलब पूरे ये पूरे टाउन की अलग से ये नकाशी। मैं बता रहा हूँ भाई यूरोप में ये एक पहला ऐसा टाउन है जिसमें मतलब देख के मेरे को ऐसा लगा कि वाह बढ़िया टाउन, मजा आ गया। इतना बढ़िया ना तो मेरे को ब्रसल्स लगा, इतना बढ़िया ना तो मेरे को फ्रांस लगा। फ्रांस में भाई इतना ज्यादा लैंग्वेज बैरियर है ना जिसकी हद नहीं है, मतलब क्यों किस बात का लैंग्वेज बैरियर है, बट इट इज व्हाट इट इज वाली बात है भाई। अभी भाई यहाँ इस समय पार्किंग ढूंढ रहे हैं और पार्किंग ढूंढते ढूंढते हम हो गए हैं आधे, पार्किंग नहीं है भाई बिल्कुल भी यहाँ पर ना, 1% की पार्किंग नहीं है। जो नियरेस्ट पार्किंग है मेरी वो 19। दोस्तों आज वाली जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाली है, तो प्लीज कमजोर दिल वाले ना देखें, और भाई जो गदड़ फिर रहे हैं वो कति भी ना देखें, फिर बोलेंगे डर गए हम। तो भाई आगे है बहुत ज्यादा एक क्लिप कॉन्टेंट और बहुत ज्यादा ब्रिजाज चीजें देखी आज हमने, तो वो हम आपको दिखाते हैं अब आगे। तो भाई फाइनली काफी जद्दोजहद के बाद पार्किंग मिली हमें, कहीं पे गाड़ी छुपा कर आए हैं कहीं कोई ले ना जाए। और ये रहा भाई रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, इसके बारे में आपने देखा ही होगा, इसमें 500 से भी ज्यादा वियर्ड और ब्रिजार फैक्ट्स मिलेंगे देखने को, कि लाइक विचित्र तरीके की कलाकारियां मिलेंगी अंदर देखने के लिए। जितने विचित्र हैं हम उतना ही विचित्र है ये। और इसके बारे में आपने डिस्कवरी में अपने टीवी में शो भी आया करता था जब हम बच्चे हुआ करते थे, अब मुझे नहीं पता कि वी आर टू ओल्ड और नॉट, बट आया तो करता था भाई। तो चलो अंदर चलते हैं, अब टिकट्स लेते हैं। तो भाई अंदर आ गए और भाई लेने जा रहा है टिकट, अब टिकट विकेट लेके आगे की तरफ चलते हैं। ओ ये है वो सबसे टॉलेस्ट आदमी जो आज तक था, वाह क्या गाड़ी बना रखी है। और ये पार्टी देख रहा है, देख ही रहा हूँ भाई। दिखा प्लीज डू नॉट टच, तो भाई छूना तो नहीं है, लकड़ी की बना रखी है भाई। और पीछे शेर देख, ये नहीं तेरे पीछे एक शेर। अच्छा है। मैं तो ये शेर देख रहा था अपना। ओ भाई साहब मतलब ऊपर अभी 500 से ज्यादा और आर्टिफैक्ट्स है, वहाँ चलते हैं और वहाँ से आपको पूरा पूरा नज़ारा देते हैं। भाई मोहम्मद अली को तो सारे जानते ही हैं, फ्लोट्स लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग्स लाइक अ बी, उनकी साइंड ये अपनी टॉर्च है ओलंपिक की। और ये तो अभी हम घुसे भी नहीं है म्यूजियम के अंदर, और पता नहीं देखने को क्या मिलेगा। तो भाई यहाँ से शुरू है भाई अपना म्यूजियम, एंड अभी तक काफ़ी सारे बोरिंग बोरिंग म्यूजियम देखे हैं आप लोगों ने हमारे साथ, तो आज आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला म्यूजियम दिखाते हैं चलो। और यहीं पर ही हमारी टिकट्स मिल जाएंगी। हाय देयर, कैन वी गेट टू टिकट्स प्लीज ऑन वीजा। यहाँ पे ऐसे टिकट अपनी स्कैन करनी होती है भाई, और अंदर जा सकते हैं भाई साहब। और घुसते ही तो विचित्रता चालू। और ये चाइना वाली टॉर्च, ये ओलंपिक वाली टॉर्च, चाइना इटली जापान जर्मनी। और भाई आज जिन लोगों को नहीं पता अगले साल का जो ओलंपिक है वो हो रहा है पेरिस में, टिकट ले ले क्या जरा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सारी की सारी अलग अलग कंट्रीज की टॉर्चेज हैं भाई यहाँ पे भाई साहब। तो यार इस म्यूजियम की ना कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये इस चीज़ में स्पेशलाइज करता है, बट ये हर एक तरीके के आर्टिफैक्ट्स में स्पेशलाइज करता है। यहाँ पर इंसेक्ट्स आ गए भाई बाहर अपनी टॉर्चर थी, अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये जुरैसिक पार्क और ये वाइल्ड लाइफ वाली फीलिंग्स ही आ रही है। वाह ये देख भाई पूरे के पूरे पुरानी जो सिविलाइजेशन हैं उनके आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। सही है भाई सही है। और ये देख भाई केव बियर का स्केलेटन, इतना बड़ा होता भाई बियर, इतना बड़ा बाप रे। किंग कोबरा का स्केलेटन देख लो भाई, ओहो किंग कोबरा का स्केलेटन लगा हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ये थोड़ी सी वो है जो वो लॉन्ग नेक नहीं है, कोई ट्राइब होती है भाई उसमें, ये एक रिवाज है, अफ्रीकन ट्राइब है,
जिसमें ये लोग अपनी नेक को इस तरीके से इलोंगेट करते ताकि बैंगल्स बांध बांध के, और ये उनकी ब्यूटी सिग्निफिकेंस है। एक और अफ्रीकन ट्राइब का जो आर्टिफैक्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने होठों के यहाँ पे बीच में धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं, मतलब होठों को इतना बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे एक रिंग सी लगा के, और ये वो दर्शाता है, और ये ब्यूटी का सिंबल है बहुत बड़ा। यस yes. भाई अफ्रीका से निकले और यूएस चेक पॉइंट पे आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे यूएस के बारे में क्या है। अरे तो जोकर सा बना रखा है, वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। चलाएगा क्या यार? बैठूंगा कहाँ भाई, बैठूंगा कहाँ ये बता, खोल लूँ? खुलती है? खुलती होगी नहीं, मैं कुछ ऐसा टच नहीं करना बट चाहता कि भाई इतनी पुरानी पुरानी चीज है कहीं कुछ टूट के गिर गई ना। ये देखना क्या मस्त बना रखा है एकदम, पूरा ही कैमोफ्लेज है। तो और ये देख भाई, ये है ना चीज़ें तो। हाँ तो भाई वही बात है, जब भी यूएस वगैरह की बात करें और गन पिस्टलों की बात ना करें तो फिर बात ही क्या है। यूएस और पिस्टल एक ही बात है, पिस्तौल पिस्तौल। स्केरी राउट, स्केरी राउट लेना है, चिकन राउट लेना है, स्केरी राउट ब्रो, स्केरी राउट भाई द चिकन राउट। भाई साहब देख रहा कहाँ आ गए हम, ये पता नहीं भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई साहब आवाजें सुन रहे? बिल्कुल ऐसी आ रही है। अभी अगर इसने आंखें खोल दी तो, आंखें खोल दी तो तेरी बंद हो जाएंगी भाई। ये पुराने जमाने में जो हाथ मत लगा ऐसे, लिखा हुआ नहीं भाई इस पे, प्लीज डू नॉट टच, सो आई कैन बेसिकली टच देम। ये देख, पुराने जमाने में जब सजा वजा दिया करते इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करा जाता था माउथ पे लगाने के लिए। देखो ये है चेसी बेल्ट, चेसी बेल्ट, ये मैन ट्रैप है, ये भी बेल्ट है। चाइनीज मेडिकल स्नेक वाइन, मतलब चाइनीज तो भाई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना देते हैं किसी भी चीज़ की वाइन। बताओ सांप की वाइन कौन पीता भाई, तो अपेरेंटली चाइनीज। आँखें बाप रे, अलग अलग तरीके की आंखें भाई, आंखें प्रोस्थेटिक आई बॉल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई कितनी बढ़िया पेंटिंग है ना, एक नंबर पेंटिंग है भाई। और ये हिल भी रही है, बढ़िया यार, बड़ी 3D सी बना रखी है। वो देख अब रोने लगी, रोबा क्यों है ये? ओ अच्छा एनाबेल है ये भाई साहब, पुराने जमाने के किस तरीके से लोगों को सजा दिया करते थे भाई। तो ऐसे बांध के ऐसे ऐसे ऊपर, पता नहीं कैसे भाई, कैसे पीछे, ऐसे पीछे हाथ पता नहीं कैसे गया, और यहाँ से ये चक्कू मार रहे उसके। ओहो भाई पुराना जमाना वैसे था तो बड़ा दर्दनाक। और भाई ये देखो तो लोगों ने क्या कर रखा, बंदे बांध रखे और फिर उसको स्ट्रेच करके बीच में से फाड़ देते थे। ये देख इधर, ये इसके अंदर ऐसे करके लुढ़काते हुए लेके जा रहा है इसको, और उसमें कील लगी हुई है। ओ शिट, ये देख, ओ भाई साहब बेरहम आदमी। ओ शिट, तो भाई ये चाइल्ड कंटेंट नहीं है, पहले ही बता दूं अपने बच्चों को, कृपया करके यहाँ पे ये चीजें मत दिखाना, कृपया करके हटा देना अपने बच्चों को यहाँ से। ये एम्स्टरडम है भाई, एम्स्टरडम, बिलीव इट और नॉट, रिप्लीज म्यूजियम। इसके बांध रखा है नीचे से, ये गर्म होती है, नीचे भट्टी लगा रखी है, तो उसकी सारी की सारी जांगे और पूरा का पूरा बदन जल जाएगा ऐसे करके, खाल उपड़ के गिरेगी। हाँ बाप रे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेल्स, नाखून, मतलब हमसे इतने नहीं बढ़ाए जाते, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े बढ़ा रखे हैं। तो ये नेल्स हैं ऐसे करके भाई, जिस बंदे के हैं वो ऐसे करके सोता था इनको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो मेरे को समझ नहीं आया दद्दू की क्या मजबूरी रही होगी नी। और देख उसके बाद उन्होंने जब निकलवाने के बाद इन्होंने यहाँ पर रखे, कितना रिलीफ आया होगा ना हाथों को, मतलब हाथ कुछ करने का था ही नहीं भाई, बस नाखून ही बढ़ा रहे हैं अंकल। तो ये कमाते खाते क्या थे, हटिए एक बार अंकल की फोटो दिखा दूँ, ये रहे अंकल अपने। ओह शिट, तो ये तो अपने देसी से लग रहे हैं भाई। भैया भूतिया महल से निकले और बाहर आए। अच्छा ये लोग फोटो नहीं खींच रहे भाई, मैं तो रुक गया इनके लिए।
अच्छा फोटो भी खींचता तू, वाह यार भाई, ये भाई अपना ट्रांसफॉर्मर बना रखा है पूरा पूरा, होय 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 भाई एक नंबर लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है भाई। अगर ये चल के भागने लग जाए अभी तो हम तो ऑटोबॉट्स की टीम में हैं। हम ऑटोबॉट्स की टीम में भाई, डिसेप्टिकॉन्स बाहर में जाओ भाई, म्यूजियम के बीच में थोड़ा सा थक वक जाओ तो आराम से, यहाँ पे थिएटर भी बना रखा है तो भाई अपना शो एंजॉय कर रहा है पूरा पूरा, वाह 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 वाह। ये हैवीएस्ट मैन और ये टॉलेस्ट मैन पीछे लगा रखे हैं तो उनको देखते हैं चल के। ये है भाई सबसे हैवीएस्ट मैन आज तक का, और भाई मैन तो कहाँ है ये, इतना मोटा, ओ बाप रे भाई घना मोटा है भाई, घना परामठे खा लिए इसने। इसका नाम है भाई वॉल्टर हडसन, और ये रे भाई अपने रॉबर्ट वॉल्डो जो दुनिया के सबसे लंबे इंसान थे। वाह 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 भाई, अब सही बात है वियर्ड और एबनॉर्मल फैक्ट्स की तो यहाँ पे भरमार ही तो है। ये भाई साहब है, इनको देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। ओ इनके क्रोकोडाइल टूथ हैं, तो इनका नाम है बॉबी ब्लैकबर्न, इनके थे भाई क्रोकोडाइल टीथ, देखो चेक करो। तो भाई कितने भी बड़े हो जाओ बचकानी हरकतें जाती नहीं है और जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पागलपंथी भी ज़रूरी है। तो भाई बेस्ट ट्रैवल पार्टनर्स वही होते हैं जो मतलब बड़े हो बट दिल से बच्चे हो। वेट फॉर दिस गाय, अब ये जाएगा भाई अगला, इसकी देखते कितनी का भाई। आंटी तो बहुत ज़्यादा तेज चीखती है, गो मैन गो 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 गो, चलो भाई देखते हैं भाई कितनी जोर से चीखता है, देखे कितना। थ्री थ्री एंड हाफ या चलो भाई अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या है इनके पास हमारे को दिखाने के लिए। सम थिंग्स यू डू फॉर योर लव, देख रहे हो भाई पहले बंदे का जाने का बिल्कुल विचार नहीं था बट जैसी बंदी ने बोला वैसी बंदा गोली की रफ्तार से तो गया, भगता हुआ तो गया। कि यार बेबी यार नू ना होता रहा सब हो गया मौज ले। तो यार ये है अपना, इनका नाम है वॉल्टर हडसन, ये भाई दुनिया के सबसे मोटे इंसान थे। तो राहुल भाई अगर आप इसी तरीके से चढ़ते रहे ना तो इसको पीछे छोड़ दोगे, दो तीन साल में छोड़ देंगे हार्डली। और राहुल भाई देख लो ऐसे दिखोगे। यार वहां से निकले मोटे पतले आदमी देख के और अब आए हैं स्पेस की तरफ। यहाँ पे अलग अलग तरीके के मीटरॉइड वगैरह हैं, पुराने पुराने जो है, ये पत्थर अपना मार्स से आया हुआ है, ये अपना आयरन फॉर्मेशन का है बहुत पुराना। और अब चलते हैं आगे, ये देखो अपना भाई स्पेस सूट भी टांग रखा है किसी का। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे है क्या भाई साहब, ये तो पूरा पूरा स्पेस शटल है। ओह स्पेस शटल के अंदर चलते हैं, रोटेटिंग टनल फुल पावर भाई, ओए ओए डिस्को, ओए 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 भाई, मतलब ना भाई ऐसा लग रहा है कि रोटेट हो रही है टनल, सारा सर घूम और हो रही है भाई रोटेट, पकड़ के रखना रे बाबा। ओए ओए भाई साहब घूम गया सारा सर, लेकिन मजा आ गया यार। यहाँ पर अब अलग कलाकारी मिली है करने के लिए, अब देखो भाई कर रहा है कुछ, ये देखो घुस गया लॉन्ड आइस के अंदर। भाई जो कहता दिवांशु बहुत हॉट दिखता है तो ऐसा दिखता है दिवांशु, अब देख लो तुम। भाई रिप्लीज बिलीव इट और नॉट है भाई यार बहुत बढ़िया, मतलब बचपन में इसके शोज देखते थे लेकिन यार कितना ही तो बढ़िया बना रखा है, मतलब आज इसका मौका मिला एम्स्टरडैम आके ये देखने का तो आज तो इसको पूरा चाट ही जाएंगे भाई साहब, चार मंजिल का है यार, बाप रे भाई, और बढ़िया ही बना रखा है, मतलब आप ना एक सेकंड के लिए भी इंटरेस्ट नहीं खोते, अभी तो एक और मंजिल है इसके ऊपर। और ये आगे भाई अपने ऑप्टिमस प्राइम साहब, देखो ओ फाइनली भाई को आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे कि भाई रोड़ा के है, इतना लंबा हो गया कि जागा तू पूरा एक और भाई। बम्बल बी का कलर ऑरेंज क्यों कर रखा है, येलो होता है, अपनी मर्जी है भाई। तो भाई जो अपनी पॉप सेंसेशन है मैडोना, ये उसका अंडरगारमेंट है और ये भाई उन्होंने डोनेट करा था यहाँ पे साइन वाइन करके, और ये उनके साइंड अपने प्रॉपर तरीके से उन्होंने लिख के दे रखा है कि भाई रख लो और अपने उसमें वियर्ड फैक्ट्स में डाल देना। तो भाई ये है भाई अपना तहखाना, मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर बट ये रानी का तहखाना,
और भाई पहली बात तो ये कि भाई ये अपनी अपनी हर जगह करता, तो ये अपना बोलने का स्टाइल है बिड़ो। ये देख लो भाई, अलग अलग तरीके के राजा महाराजा हो गए हैं। तो यार ये उनके ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिकाज है। तो अगर किसी के मन में विचार बन रहा हो कि भाई यहीं से जाके टपा लाऊं, तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। कूड़े के बहु बिकेगा यो। हाँ। और भाई शो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अलग अलग वियर्ड वियर्ड चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पे। भाई प्री हिस्टोरिक वेल का जॉ देखोगे तो ये चेक करो भाई, इतना बड़ा वो ध्यान चुको तो मतलब निकल जाए और उसको हिचकी भी ना आए। भाई ये अपने थे थॉमस वेडर, और ये भाई अपने सर्कस में काम करा करते थे इतने लंबे नाक के साथ। अब इसके फाइनल पड़ाव पे जा रहे हैं भाई, लास्ट मंजिल है ये। काश ये लास्ट ही हो। हाँ भाई लास्ट है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। बाप रे भाई, इतने ज़्यादा वियर्ड फैक्ट्स आज तक नहीं देखे, मतलब इससे ज़्यादा वियर्ड सिर्फ मैंने राहुल भाई देखे हैं। तो यार यहाँ ऊपर तो आई डोंट थिंक सो कुछ है ऐसा कोई वियर्ड फैक्ट, नॉर्मल सा इन्होंने रेस्टोरेंट सा बना रखा है। एंड दिस इज इट, वीआईपी रूम रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट वेस्टोरों का तो क्या ही करना, बाहर चल के खाएंगे ना यार, कहीं एम्स्टरडम में बढ़िया सी कोई चीज़ खिला तुम देखो। चल चलो, तो अब इसको कहते हैं अलविदा और अब बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो भाई बाहर आ गए, एंड बिलीव इट और नॉट, रिप्लीज बिलीव इट और नॉट इज़ रियली ऑसम। बहुत बढ़िया यार, मतलब बचपन से टीवी में देखा था, आज फाइनली आंखों में देखा इनका फैक्ट, अपनी आंखों से देखा इस फैक्ट्स को, किस तरीके के वियर्ड एंड बिजार तरीके के फैक्ट्स और बिजार तरीके की आर्टिफैक्ट्स हैं भाई। कुछ भी बना रखा है, दुनिया कुछ भी तो कर रही है, कोई नाखून लंबे कर रहा है, कोई वजन बढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और भाई लगे 45 यूरोज अंदर, दो टिकटें ली थी और फिर तीन हमने उसका लिया अपनी यादों के लिए, एम्स्टरडम का सिंबल। और अब बढ़ते हैं आगे क्योंकि लग रही है पेट में यार बहुत जोर की भूख। और गुस्ते ही भाई यहाँ पर आ गई फ्राइज, तो फ्राइज लेते हैं या कुछ और खाएगा आप? शॉर्मा भी इन पे। पहले आगे चल के पूरा टाउन देख लेते ना, टाउन देख के आते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या खाना है। तुम्हें पता ही है भाई, अपन इतना खाने खूने पे इतना ध्यान नहीं देते, भूख भूख लगती है उसको हम पेट पे गीला कपड़ा बांध के चल देते हैं आगे। गीला कपड़ा तो मेरी वजह से बांधता है, वरना तो सुबह से शोर मचा रहा है कि भाई मेरे को प्लीज कुछ खिला दे, प्लीज कुछ खिला दे भाई। सुबह भाई भाई को दो केले खिलाए ग्रोसरी स्टोर से जो लिए थे, फ्रूट्स वगैरह, एंड वी आर ऑल सेट। वही 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 यार, ज्यादा खाना पीना मतलब, वैसे भी वजन कम करना है, इंडिया जा रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेरा तो हो चुका ऑलरेडी। मेरा भी कम हो रहा भाई, आज मेरे को कमेंट आया दो चार की, अरे यहाँ से खाएंगे ना हाउस ऑफ फ्राइज से। यस, ऐसे किसी जगह से खाएंगे जो मतलब बहुत ज्यादा आइकॉनिक हो या जिसकी फ्राइज बहुत ज्यादा फेमस हो। एक बार काम करते हैं ना, घूम फिर के आ जाते हैं पूरा जो तू कह रहे, तो आगे तक चलते चक्कर मार के आते हैं, चलते आगे तक घूम के फिर दोबारा आते हैं वापसी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, या अगर आगे कुछ और बढ़िया मिल गया तो वहाँ से खा लेंगे अपने। कौन सी मतलब वही वाली बात है, हमने कौन सी टिकट ले रखी है इसकी? वही वही, ये हमें कौन सा पैसे देव है। हाँ यार भाई बैठा उनकी बहुत अच्छी टाउन पे, मतलब लोग एकदम अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मतलब भाई नो फक्स गिवन, मस्त इंजॉय करते हुए। और एक चीज देखी, जब हम रिप्लीज के अंदर जा रहे थे, हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक घंटा से डेढ़ घंटा हमने वहाँ लगा दिया होगा रिप्लीज के अंदर बड़े आराम से। तो भाई पूरे के पूरे टाउन की ना वाइब चेंज ही तो हो गई एकदम से। ये भाई सफाइयाँ चल रही है यहाँ पे रोडों की, दिख रहे कैसे डिफरेंस दिख रहा है, साफ हो गया बाबा। तो भाई इस वजह से यहाँ पर इतनी सफाई रहती है क्योंकि यहाँ पर ये लोग सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड अच्छी बात भी है। सारी इतनी इतना ज़्यादा फुटफॉल है यहाँ पर, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, एम्स्टरडम तो बिल्कुल ही भरा रहता है टूरिस्टों से, तो ये तो बढ़िया चीज़ है यार। और ये आ गई नदी, आ जा तेरे को लेके चलूँ राइड पे बोट की। ना 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 ना, बोट की राइड पे अभी नहीं जाना मेरे को। तो ये रही भाई इनकी बीच की जो स्ट्रीम है, जो नदी है यहाँ पर है, जो भी कुछ मजा है। तो ये प्रॉपर वही वेनिस वेनिस वाली फील दे रहा है यार। वो कौन सी पिक्चर है, स्टार इन माय समथिंग समथिंग करके जो फॉल्ट इन आवर स्टार्स? हाँ, उसमें फॉल्ट इन आवर स्टार्स, वो यहीं पे जो शूट करी गई है सारी की सारी एम्स्टरडम में। हाँ, और उसकी अपने सुशांत भाई की भी दिल बेचारा भी यहीं शूट हुई थी, उसी पे बेस्ड थी वो सेम मूवी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई बच्चे किसी भी लैंग्वेज में रोते हुए ही लगते हैं मेरे को, तो देख ले ये भी रो रहा है। अब ये पता नहीं डच में रो रहा है किस में रो रहा है, रो तो जरूर रहा है, रो जरूर रहा है भाई। यार बढ़िया है, मतलब सारा घूमने फिरने में कोई भी टाउन अपन जाते हैं ना, घूमने में जो मजा आता है ना पैदल, पैदल भाई वो गाड़ी घोड़े में बैठ के नहीं आता, 11 नंबर की बस सबसे बढ़िया रहती है कि पैदल हांडो शहर देखो अपना, सारा तरीके से शहर में चल क्या रहा है, शहर है कैसा, क्योंकि यार ये प्रिविलेज है जो आपको सिर्फ वॉक करके एकदम नुक्स एंड कॉर्नर्स पे लेके जा सकती है, वो यही प्रिविलेज है। गाड़ी लेके आप यहाँ हर जगह नहीं आंड सकते। बिल्कुल, यहाँ गाड़ी वैसे भी अलाउड नहीं है, वो देखना बीच में इतना बड़ा वो बैरिकेड लगा रखा। अरे तू तो इसके ऊपर से लेता, मैंने बेर आया तेरा साइड से, में भी साइड से उड़ाता हुआ ले जाता, फिर आगे तेरा चलान कटता। अब थोड़ी सी ठंडी सी पड़ रही है स्ट्रीट, तो मेरे हिसाब से हमें कहीं पे आगे पीछे देख के कुछ खा लेना चाहिए। बिल्कुल भाई, खा लेना चाहिए और अपना आगे चलना चाहिए।
ये यम्मी स्वीट्स वही वाली बात है, राहुल भाई की मौज है भाई यहाँ पे तो मीठा भाई, मीठा भर भर के। और भाई आज बियर नहीं पियेंगे क्योंकि गाड़ी मेरे को चलानी है। तो भाई सीधी साफ बात है, जब भी आप कभी कुछ ड्रिंक वगैरह कर लो तो कृपया करके गाड़ी ना चलाएं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े केसेस हो रखे हैं और अपने कनाडा में तो खासकर ये अब एक क्रिमिनल ऑफेंस में आ गया, तो गाड़ी ना चलाओ भाई अपने शराब शुरू पीने के बाद। बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट सम्राट वो देख उधर। ओ हाँ बोरा भाई सम्राट इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन नहीं खाना इंडियन तो मतलब तेरे को पता ही हम तो खाते हैं, हमें है इंडियन, बचपन से इंडियन ही खाया। अगर बाहर जाके भी इंडियन ही खाएंगे तो फिर फायदा क्या है? हाँ। यहाँ का क्विजीन इनका क्विजीन ट्राई करेंगे। तुम तो बाहर जाके बाहर का माल खाने में बिलीव करते हो ना भाई। डेफिनेटली भाई बाहर जाओ और बाहर की चीजें ट्राई करो। यार काफी वॉक होगी और काफी टाउन घुमाए, मजा आ गया, अब लग गई है भूख। तो भाई लग गया लाइन में, हाउस ऑफ फ्राइज करके है यहाँ पे दुकान, यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग तरीके के फ्राइज। तो भाई जाएगा इस लाइन में लग के भगता हुआ फ्राइज लेकर आएगा एक नंबर वाले। भाई बढ़िया से लेकर आइए, उसमें कुछ गिरवा के बढ़िया मोजेला पोजेला। हाउस ऑफ फ्राइज, यहाँ से भाई दो अलग अलग तरीके के फ्राइज लिए हैं। भाई फाइनली काफी वेट करने के बाद आ गए अपने फ्राइज, ये वाले हैं चिकन फ्राइज, ये अपने वेज। तो ये मेरे वेज मत खाइयो, तू बता रहा हूँ मैं तेरे को, आराम जादे। तो भाई ये 23 यूरोस का है और हाउस ऑफ फ्राइज यहाँ पे 1987 से है, इतनी पुरानी दुकान। फाइनली यार फ्राइज फ्राइज खा के निकले हैं और पेट फटने को ही तो हो रहा है। भाई कैसा हाल है भाई? थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी अब। तो अब शहर घूमते हैं, शहर नापते बढ़िया तरीके से घूमते सारी चीज़ें। सामने एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट सा दिख रहा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या वहाँ की वाइब है और फिर उसके बाद आगे का प्लान बनाते हैं यार। ओह मोड़े, आई एम सॉरी। तो एक नंबर वाइब आ रही है पूरे टाउन में, देखो ये देखो इसको ऐसे देखो, एक नंबर लग रहा है ये, वाह। और यहाँ हम गए थे रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, आगे वहाँ पर पीछे की तरफ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है और ये अपना रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम। तो यार आ गए हैं अभी इस समय रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में आते ही मतलब टूरिस्ट तो यहाँ पे खचाखच भरे हुए हैं। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर होंगे, बट टू बी वेरी फ्रैंक इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना इन सब चीज़ों को देखने के लिए। इट्स वन ऑफ अ काइंड क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन प्रॉपरली लीगल है, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि भाई तुम्हारे को भी पुलिस वाले धर लेंगे। रूम्स फॉर रेंट ये सब चीज़ें तो यहाँ पर कॉमन है, खाने की जगहें भी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बाहर कोई गंदी चीज़ें हों, बाहर एकदम साफ रखी हुई है इन्होंने अपनी सिटी, सारी चीज़ें अंदर हो रही हैं, अंदर की तरफ पे हैं। जैसा ये शहर है ये उसकी प्रॉपर ग्लोरी में हम आपको शहर दिखा रहे हैं कि शहर ऐसा ही है ये। तो अब आगे एक्सप्लोर करते हैं कि आगे किस तरीके के स्टोर्स हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, आगे क्या देखने को मिलेगा, लेट्स सी। भाई यहाँ पर देख रहा है तू मतलब लाइव सेक्स शो चल रहे हैं, पोर्नो शोज चल रहे हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या। हाँ मतलब टूरिस्ट देख भाई यहाँ पे कितना है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मैन, क्योंकि जब भी कभी ऐसी आती है जैसे हमारा जीबी रोड वाली साइड होगी भाई वहाँ पे मतलब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है वो, बट यहाँ पे तो ये प्रॉपर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड या ये रेड लाइट सीक्रेट करके भाई यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का ही एक म्यूजियम है। और बेसिकली यार वैसे देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो यार हम लोग इंडियंस बेसिकली सेक्स को बहुत टैबू के तरीके से लेते हैं, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। सारी पब्लिक जहाँ जा रही वहीं चलते भाई, उधर से वापस ही चलते हैं। तो भाई ये था अपने एम्स्टर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, हमने आपको पूरा दिखाया कि यार इट्स वेरी कॉमन हेयर, इट्स नॉट अ टैबू टॉपिक कि यार को बहुत ज़्यादा छुप के बात करेंगे सेक्स सेक्स, नहीं ऐसे बात नहीं करते, खुला चल रहा है भाई। आप आसपास देखोगे ना मतलब वेरी एक्लिप्स कंटेंट है और बच्चों के लिए नहीं बनाए, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये ना दिखाएं। और आप देख सकते हैं बिकॉज इफ़ यू आर मैच्योर अडल्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि बाहर देश में किस तरीके से कैसे काम होता है। बाकी इस बिट को यार अब यहीं खत्म करते हैं, चलते हैं अपने कैंप साइट की तरफ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। हम है रूस एराई और एम्स्टर्डम से हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। यार काफ़ी देर से चलते थे, थक गए थे, तो यहाँ पर एक पीछे वियर्ड सी इमारत खड़ी थी, तो यहाँ भाई दुनिया बैठी, हम भी बैठे के थोड़ी देर आके कि यार देख लें कि सिस्टम है क्या।